करीब बीते 100 वर्षों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है। खबर गोंडा जिले के करनैलगंज से है, जहां रामलीला मैदान में चल रही ऐतिहासिक रामलीला में आज हुए नाटक में कबूल से आए सौदागर के पुत्र की लूट के बाद हुई हत्या में कमेटी के जज के आदेश से हुई फांसी। बताते चले कि करनैलगंज में करीब बीते 100 वर्षों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है। उसी क्रम में दशहरा के एक दिन पहले रामलीला में एक नाटक दिखाया जाता है, जिसमें लूट, हत्या व अदालत सहित फांसी का सजीव चित्रण दिखाया जाता है। नाटक में कबूल से फेरी करने आए एक सौदागर के पुत्र की हत्या कर लूट की जाती है। फिर रामलीला कमेटी की पुलिस हत्यारे को पकड़कर अदालत में पेश करती है, जहां कमेटी जज के द्वारा चोर को पुलिस की मौजूदगी में सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, जिसे देखने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। देखिए, आज की जो फांसी हुई है उसमें पूरे जिले का, कई जिलों के बाद करनैलगंज में ये फांसी होती है, जिसमें जज भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, और एक व्यापारी काबुल से आता है, उसके लड़के का कत्ल हो जाता है और उसी पर थाना, कोतवाली जो भी बनता है, ये रामलीला के सारे पात्र रहते हैं, उसका अभिनय होता है, जो फांसी दिखाई जाती है, और जल्लाद भी होते हैं बाकायदा, फांसी और डॉक्टर भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। कैसे होती है फांसी? फांसी मैंने बताया कि काबुल से व्यापारी आते हैं, ये अभिनय में है, और उनका लड़का चारों तरफ इस बाजार में रहता है, उसकी चोरी हो जाती है और उसका मर्डर हो जाता है, उसके बाद उसको न्याय मिलता है, यहाँ पर पुलिस में जाते हैं, फिर न्यायाधीश जा करके न्याय उसको देते हैं और फांसी की सजा सुना करके जो अभियुक्त पकड़ा जाता है उसे फांसी दी जाती है।